वेरी वेल परफॉर्म्ड बॉयज। आपके टाइमिंग्स मेरे हाथ में हैं। सबसे पहले निखिल के गैंग से राहुल आप गए और आपने अपने टास्क को पूरा किया है 12 मिनट और 40 सेकंड में। मैंने कहा इतना टाइम ले लिया मैंने 12 मिनट, मेरे को लगा 8-9 मिनट हुए होंगे यार। सुबह हुई और हम जल्दी से टास्क लोकेशन पहुंचे। यहाँ सामने है एक बॉल जिसमें है 40 खिड़कियां जो फ्लिप होती है। खिड़की के सिर्फ एक तरफ है रोडीज का लोगो। एक गैंग होगा खिड़की के इस तरफ और दूसरा गैंग होगा खिड़की के उस तरफ। गेम का ऑब्जेक्टिव हार्नेस किए गए गैंग मेंबर को रोडीज का लोगो अपने तरफ फ्लिप करना है। अगर आप इस बॉल को ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ भी काफी खिड़कियां हैं। That's when you're going to need the other two gang members. रोप की मदद से वो आपको ऊपर खींचेंगे और आप खिड़कियों को फ्लिप कर पाएंगे। सबसे ऊपर वाले रोप की हर खिड़की के लिए आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। उसके नीचे वाले रोप के हर खिड़की के मिलेंगे आपको 2 पॉइंट और बाकी सारे खिड़कियों के लिए आपको मिलेंगे 1-1 पॉइंट। स्ट्रैटेजी बहुत सॉर्टेड थी ऊपर जाने, बिकॉज़ जो ऊपर वाले विंडोज से अगर उसको हम फ्लिप करते हैं सारी की सारी, तो हमारा फोकस वही था कि हमें 24 पॉइंट्स वो मिल जाएंगे। विंडोज हाथ में ही नहीं आ रहे थे, मैं हवा में झूल रही थी। सामने आपके सामने खुशनुमा, वो कोई लायक ही नहीं थी। जब जब विंडो के पास जाना चाहती थी वो हवा के झोंके के वजह से वापस आ जाती थी। Come on guys, come on! नीचे छोड़, नीचे छोड़, नीचे छोड़, चल 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 शुरू करते हैं निखिल आपके गैंग से। आपके गैंग ने सबसे ऊपर वाली रो से 5 विंडोज फ्लिप की है, दूसरे रो से 7 विंडोज फ्लिप की है और बचे हुए रोज में से 4 विंडोज फ्लिप की है। दैट गिव्स यू अ टोटल स्कोर ऑफ 33 पॉइंट्स। आज निखिल के गैंग के किसी एक मेंबर को मिलेगी इम्यूनिटी। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था उस टाइम में। 3 कैंप हम लोग ने चेंज किए, लगातार हम लोग हारते जा रहे, उसके बाद एक जीत हासिल हुई और सब लोग को पता चल गया था कि खुशनुमा पठान क्या है और उस टास्क में मैंने अपने आप को प्रूफ कर दिया। अब आते हैं निखिल की गैंग पे। निखिल, आज आपको एक इम्यूनिटी देनी है प्रियांक, खुशनुमा और राहुल के बीच से। खुशनुमा, आज आपने इस टास्क में इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करके हमारी गैंग के लिए इम्यूनिटी जीती है, तो आज आप जो कहोगे वही होगा। अगर किसी को इम्यूनिटी देने की बात है तो मैं क्यूटी को दूंगी। खुशनुमा, जो आपका डिसीजन है वही सही है। कंग्रेचुलेशंस प्रियांक। ये जो लड्डू आपने अभी खाए हैं इसमें मैंने मिला दिया है जमाल घोटा। आई थिंक
जितना फनी ये टास्क सुनने में और इन थ्योरी है, उतना ही ज्यादा मुश्किल एंड प्रैक्टिकल ये टास्क है. शेन ने इज वन ऑफ द गाइज हु टुक द मोस्ट अमाउंट ऑफ लड्डूस. टास्क का आधा बजट तो शेन के लड्डू खाने में चला गया. हम जिस टास्क लोकेशन पे गए आज वो बहुत बहुत खूबसूरत थी. आई वॉज कम्पीटिंग टू गाइज, नेक टू नेक चल रहा था, सो वी रियली हैड फन. श्वेता, आपने इन दोनों को बहुत टफ कॉम्पिटिशन दिया. श्वेता हैंडल्ड लाइक अ चैंपियन. Really, well done, Shweta. Sweet Gadi. She's like, oh my God, she's doing so well. Come on, kar rahi hai, acha kar rahi hai, kar rahi hai. After that, she aced. After that, she aced. You have managed to win this task by just 4 seconds. उस टाइम पे यकीन ही नहीं हुआ, मैं बिलीव ही नहीं कर पाया कि हम इस टास्क को एक्चुअली जीत गए. आखिरी वोट है राखी आपके खिलाफ. मेजॉरिटी ने आपको आज वोट आउट कर दिया. ठीक है, उन्होंने पूरा दम लगाया था मुझे निकालने के लिए, लेकिन जब समय आएगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगी. रोडीज है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, ये शायद वो बात भूल गए थे. और एक ट्विस्ट आया बीच में कि आज जिस रोडीज को मेजोरिटी वोट्स मिली हैं, उसे अपने आप को बचाने का एक और मौका मिलेगा. अगर वो अपने अगेंस्ट कास्ट हुए सारे वोट्स सही प्रेडिक्ट करता है तो वो बच जाएगा. तो बड़े मैंने स्मार्टनेस से वोट्स पहचान लिए. पहला खुशनुमा, दूसरा प्रियंक, तीसरा चिरंजीवी, चौथा वरुण, पांचवा मिनल, सिक्स और सेवन्थ दोनों, और एट थी. जिसने मुझे वोट किया था उसकी फट गई थी कि यार हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं और ये दोबारा से अंदर. यू कम्प्लीटली चेंज द गेम फॉर योर सेल्फ एंड यू आर बैक अगेन ऑन रोडीज राइजिंग. कंग्रेचुलेशन. मेरे हिसाब से अगर तुम्हें इम्यूनिटी नहीं मिली तो समर और शिव बस्ता बांध के ही आना शाम को. सबको याद दिलाया गया कि अगर आप नहीं बनते हो तो आपकी सब बैंड बजाने वाले हैं क्योंकि आप टारगेट बने हो. Alright, a lot is at stake. Your time starts now. Come on, let's go. Come on, Neerpal. चल 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 चल. वीरपाल फास्ट फास्ट, उसने पहले जो सर ने बताया था वैसे ही फ्लैग अपने यहाँ लटका लिया और उसके बाद स्टिक बांधने लगी. उसका कहाँ है, किस साइड है उसका बूथा? जल्दी कर, रख दे उसको नीचे, इतना क्या सोच रही है. जल्दी 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 जल्दी. कम ऑन, चल 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 चल, हाथ आगे जा, हाथ आगे, हाथ आगे, हाथ आगे जा, और बड़ी करनी पड़ेगी. चल वापस ले अंदर, तेरे को पहले ही बोला था. चलो 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 चलो. द वर्स्ट मिस्टेक आई डिड वॉज कि मैंने दोनों साइड से रस्सी टाई नहीं की एंड जब मैं निकाल रही थी उसे तो वो बार बार हिल रहा था, नीचे जा रहा था एंड प्लस वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था. Gotta be quick. Come on, move quicker. Come on, come on. Come on, bus, bus, bus. Come on, next. चल चल ठीक है, जो तेरे हिसाब से लग रहा है उस साइड लगाना. इस साइड तो लग ही नहीं पाएगी, उस साइड लगा. हाँ चल, खूब सारा रोल कर उसको आसपास, खूब सारा रोल कर, खूब सारा रोल कर. थोड़ा सा करेगी तो पकड़ नहीं पाएगी. मुझे लग रहा था ये कहीं ना कहीं भाई इस टीम को ले डूबेगी. यहाँ इसे ना कर दिया, इस भूतनी ने काम तमाम कर ही दिया है. कम ऑन वीर, चल चल पहले निकाल उसको वहीं से, वहीं से निकाल. आराम से, आराम से निकालियो. कम ऑन, लिटिल मोर. चल वापस खींच, वापस खींच, वापस खींच. इसको टाइटली बांध लेना. आगे वाला पार्ट बांध, दो बांध. उसको आगे की तरफ रख. थोड़ा मूव क्विकर वीरपाल, चलिए थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी. मुझे वो गलतियां नहीं दोहरानी थी तो मैंने देखा वो जिस तरह से गांठ मार रही थी, जिस तरह से एक लकड़ी को पकड़ के दूसरे सिरे से बांध रही थी, जो कि मुझे फॉर आवर श्योर कि वो गलतियां मैं नहीं दोहराने वाली हूं. कम ऑन वीर, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन वीर, कम ऑन, कम ऑन वीर, कम ऑन. दिमाग में था कि यार नहीं होगा, नहीं होगा, बट सर खड़े थे तो अंदर से चल रहा था बाबा जी प्लीज हो जाए, हो जाए. ध्यान से वीरा, आराम से.
ऑन वीरा, सुपर सुपर सुपर, गुड जॉब वीरा, गुड जॉब, आराम से, हाथ ज्यादा मत हिलाना। और आ गया, कम ऑन वीरो, ऑलमोस्ट देयर, वेरी गुड, वेरी गुड, कम ऑन। मैं प्रे कर रही थी कि वहां से वो जो बैम्बू पे चाबी लटकी हुई है, चाबी नीचे गिर जाए तो उन लोग का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। टेंशन थी उस टाइम, स्ट्रेस था दिमाग में कि अगर ये लूज होता है तो शायद वो मेरी वजह से होगा, खुद को ब्लेम कर रही थी तब तक। आराम से, फाइनली की आ गई हाथ में, धीरे धीरे चल निकाल, जल्दी निकाल, चल यार दुगली, शाबाश, गुड, चल बड़ी, जो पीछे पीछे धक्का मार। हाँ, मैंने गणपति बाप्पा का नाम लिया और स्टार्ट किया, जोर लगा के, जोर लगा के, कम ऑन, तो झूला उसको, झूला झूला, दोनों दोनों को, दोनों दोनों को, आगे वाले को पकड़, आगे वाले दोनों को पकड़, आगे वाले दोनों को पकड़। बहुत डिफिकल्ट था, बिगर पैर जमीन पे टच करे कैसे लेके जा सकता है। इन दोनों को, उसको और उसको, वो राइट वाले को पकड़, अब उन दोनों को झूला, हाँ झूला झूला झूला। मैंने शिव को एक स्ट्रैटेजी बताई थी, कोई भी चीज जिसके ऊपर आप बैठे हो तभी हिलेगी अगर आपने एक तरफ से अपना वेट उठाया, मोमेंटम दे सकते हो, पर अगर मैं बैठा रहा तो कुछ नहीं कर सकते, जब तक मैं ये टांग नहीं उठाऊंगा तब तक वो हिलेगा नहीं। चल एक टांग उठाकर, चल चल चल, सर ने जो बताया वो फॉलो करते गया और मुझे बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैं नीचे ध्यान दे रहा था बॉक्स की तरफ और कितना टर्न करूं। कम ऑन, कम ऑन, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, उसने उतना जोर लगाया बीच में, हमने बोला गणपति बाप्पा मोरया, जोश आया और उसने टपाके 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 टपाक, जो भी था चाहे वो स्ट्रैटेजी गलत हो या सही हो, उसने उसको एकदम बेस्ट परफॉर्म किया। पता है गणपति बापा बोले में बहुत और ज्यादा एनर्जी आती है और कंटिन्यू सर गणपति बापा बोलते रहे, पता नहीं क्या एनर्जी आ गई शिव के अंदर, सच में शिव भगवान आके वो इतना स्पीडली परफॉर्म कर रहा था, विच इज अनबिलीवेबल। कम ऑन ब्रदर, कम ऑन, चल चल दोबारा टर्न कर, और आगे, चल अच्छे से और बैठ जा, जल्दी से बैठ, ये निकाल, ये निकाल, ये निकाल, अरे वो कैरेबिना निकाल, कैरेबिना निकाल, जल्दी निकाल, काफी जल्दी, देखते ही देखते उसे ड्रैग कर करके, देखते ही देखते मेरे पास बहुत जल्दी आ गया। चल मैंने जब वो फ्लैग लिया मेरे दिमाग में एक ही था कि यार तोड़ो और ऊपर चलो। रणविजय सर उसके पास गए, उसको बताने लगे पहले किक कर फिर पंच कर, बना पहले, पहले पंच बार, राइट से पंच बार, चल निकल 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 निकल, वही कह रहा हूँ, चल निकल, उसको पकड़, निकल आगे, एक पंच बार, वो बोर्ड को पूरा फोड़ देता है। अबे पागल है क्या यार, बोर्ड पूरा फोड़ना नहीं था, बोर्ड में एक सुराख करना था और अपना पैर डालना था, ऊपर चढ़ना था, निकल, चल चल ठीक है, चल चल चल, अबे हाँ, बस बस ज्यादा मत मार, टूट जाएगा ये, टूट जाएगा। मैं बहुत टेक्निकली उस चीज को कर रहा था तो एकदम बॉर्डर लाइन पे मैं हिट कर रहा था, तो चल आगे मार, उसके ऊपर मार, चल चल कम ऑन। उसने दो तीन पंचेस मारे और फिर हाथ रखा और पूरा वो प्रॉब्ली बॉडी वेट की वजह से जो पीछे डाल रहा था वो पूरा फट गया और वो पीछे आ गया। दिख रहा था भाई ये एक इंसान कुछ काम का नहीं है, बस अपनी बॉडी और अपनी पता नहीं अकड़ के वजह से क्या कोशिश कर रहा था करने की। चल चल निकल समर, तो मुझे टेक्निक पता चल गई थी कहाँ हिट करना है, कहाँ पकड़ना है और कैसे चढ़ना है। चल 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 निकल निकल निकल, चल चल चल, मार मार मार, तुम्हें पता कहाँ मारना है, चल निकल निकल निकल, चल चल निकल, मार 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 मार, कम ऑन,
लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम लिया, जो कि मेरी टीम के लिए बहुत ही यू नो हानिकारक बाद में साबित हो सकता है। विदाउट हार्नेस वो भागते हुए ऊपर चढ़ गए, पोल्स पकड़ पकड़ गए, एंड उनको देख के इतना अच्छा लगता है, इतना पॉजिटिव फील आता है कि वो गेम के लिए कितना पैशनेट है, कितना इस गेम से ज़्यादा प्यार करते हैं। वाह यार, मुझे भी डर था कि अगर वो लोग जीत जाते तो हमारी टीम से डेफिनेटली कोई ना कोई एक जा रहा है आजकल।